समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी गठबंधन में सहायक पार्टी कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग और ना ही हम कभी सूची देते कांग्रेस के लोगों को। गठबंधन के बल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बिगड़ते रिश्तों पर सपा मुखिया अखिलेश ने स्पष्ट कहा है कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो ना ही हम मीटिंग में जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। हमने साफ साफ बताया था कांग्रेस को कि एमपी में हमारे उम्मीदवार कब कब और कहां कहां जीते थे और कहां हम नंबर दो की स्थिति पे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो देखा कि उन्होंने सभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर एक बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उससे भी पहले जो मुख्यमंत्री दिग्विजय रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूछा था कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही और किस समय पर सपा के विधायक कहां कहां जीते थे और कहां हम नंबर दो पर रहे थे। इसकी पूरी जानकारी उन लोगों ने हमसे ली थी। सपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने रात भर एक बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठा कर रखा और बातचीत की। इसके बाद आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई है। सपा प्रमुख ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है। साथ ही अखिलेश ने साफ किया कि अगर गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए होगा तो उस पर भी अब विचार किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी बीते दिन यानी बुधवार को मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब देखना यह होगा क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में एक दूसरे को काटते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।